दोस्तों, अभी मैं आपके लिए एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जो कि टॉपिक बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी? महोदय, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर केंद्रित अपनी छमाही साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट में कोविड-19 के कारण दक्षिण एशियाई देशों को होने वाले नुकसान के बारे में तो बताया ही है। समय पर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इन देशों को आगाह भी किया है। विश्व बैंक का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की बड़ी आबादी और शहरी इलाकों में घनी बस्तियों के कारण दक्षिण एशिया पर कोविड-19 की सबसे गहरी मार पड़ सकती है और इसकी आर्थिक विकास दर 6 महीने पहले की 6.3% से घटकर 1.8 से 2.8% रह सकती है, जो पिछले 40 साल में इस क्षेत्र का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। यदि लॉकडाउन लंबा खींचा तो विकास दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये लोग उन इलाकों तक वायरस ले जाएंगे जहां संक्रमण नहीं था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में 1.5 से 2.8% रह सकती है, परंतु लॉकडाउन लंबा खिंचा तो आंकड़ा उसके अनुमान से कम भी हो सकता है। भारत को उसने गरीबों को भोजन तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, प्रवासी मजदूरों के लिए अस्थायी रोजगार कार्यक्रम बनाने, लघु कुटीर व मध्यम उद्यमों को बचाने तथा स्थिति थोड़ी ठीक होते ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ उसने मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की आर्थिक विकास दर नकारात्मक होने की बात कही है। रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 के कारण दक्षिण एशियाई देशों में असमानता बढ़ेगी। शहरी मजदूर गांव में ही नहीं वापस गरीबी में भी लौटेंगे और गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर इस क्षेत्र ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह गंवा देंगे। विश्व बैंक ने कोविड-19 के जिन नतीजों के बारे में बताया है, भारत उनसे अनजान नहीं है। इसलिए वायरस से मुकाबला करते हुए उसने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से गति देने के बारे में भी सोचा है। रिपोर्ट में भारत के बारे में आश्वस्त करने वाली बात यह है कि अभूतपूर्व संकट के बावजूद यह अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, लेकिन इसे
गरीबों और कमजोरों को भोजन व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने समेत तमाम कल्याणकारी उपाय करने के अपने संकल्प पर भी अमल करना होगा। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में तेजी से फैलकर आतंक का पर्याय बन गया है। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा।